हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट स्कूल शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें पीजीटी या लेक्चरर की पोस्ट 24 है, टीचर के लिए 12, असिस्टेंट टीचर के लिए 15, कंप्यूटर टीचर्स के लिए 3 एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी अलग अलग है सभी के लिए। पीजीटी के लिए 38,000 एंड इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रहने वाली है। बाकी की डिटेल्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट टोटल 11 पेजेस की है, जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट नज़र आएंगे। और फर्स्ट पेज पर एडवर्टीज मीन्स वैकेंसीज की लिस्ट है, सेकेंड पेज पर भी वैकेंसीज की लिस्ट है, जिसमें सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, आरक्षित अनारक्षित लिखा है। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पेज पर भी वैकेंसीज ही हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज, सब्जेक्ट, इसमें टोटल 55 पोस्ट हैं। तो ये टोटल 55 पोस्ट दिए हुए, इसमें लिखा प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा। प्रतिनियुक्ति मीन्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी लिया जा सकता है, मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फ्रेश जो एप्लीकेशंस हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की हुई है, थोड़ा लेट हो गया मेरे पास, कई दिनों से एडवर्टीजमेंट थी, लेकिन सूरजपुर छत्तीसगढ़ शासन, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, तो इसमें अच्छी वैकेंसीज रहती है, काफ़ी सैलरी अच्छी होती है। बट इसमें दो तीन इश्यूज इस टाइप से आते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी होता है। अगर सूरजपुर का है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। और तीसरी चीज़ इसमें इशू ये है कि सभी मीडियम से पढ़े हुए कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं कैंडिडेट्स वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी अच्छी होती है, फीस नहीं ली जाती है। और लास्ट डेट अब काफ़ी पास आ गई है इसकी, 4 अगस्त तक आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, या अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आप इसको चेक करें डिटेल्स, अप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर अब आपके पास दो ऑप्शंस थे अप्लाई करने के लिए, या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकते थे या फिर स्पीड पोस्ट से। तो आप तक अगर 2 अगस्त तक भी पहुंचता है ये वीडियो तो आप स्पीड पोस्ट कर दें तो 4 अगस्त तक पहुंच जाएगा। और बाकी की सभी डिटेल्स के लिए आप इस एडवर्टीजमेंट को चेक कर सकते हैं। इस एडवर्टीजमेंट में सारी अंग्रेजी माध्यम के लिए आवेदकों द्वारा कक्षा 10वीं के बाद, 10 के बाद जितनी भी पढ़ाई होनी चाहिए वो सारा इंग्लिश मीडियम में होना ज़रूरी है। अब जो इसमें इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर ऐसा इंग्लिश मीडियम ही है ये स्कूल, पूरी जो ये स्कूल है सभी में लिखा अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, तो ये पूरे जितने भी वैकेंसीज है सभी इंग्लिश मीडियम से ही है, तो 10th के बाद इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सब है। एज लिमिट 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 35 ईयर्स। और इसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं डिटेल पढ़ने के लिए वो आप पढ़ सकेंगे इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड करके। एप्लीकेशन फॉर्मेट भी इसी में दी हुई है, 4 अगस्त तक ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपकी पहुंच जानी चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं अटैच करके। तो इसमें दो ऑप्शंस दिए थे, स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक। तो पंजीकृत डाक से अगर आप भेजते हैं अब, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट वीडियो बनाया, हालांकि एडवर्टीजमेंट मेरे पास काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी पर मिस हो गया, तो स्पीड पोस्ट से अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके।